सातवें वेतन आयोग के लिए कल से विश्वविद्यालय अधिकारी कर्मचारी लेख निबंध आंदोलन करेंगे। अक्टूबर में होने जा रही अंतिम सत्र की परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष नई चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य के सभी गैर कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों ने सातवें वेतन को लागू करने की मांग को लेकर 24 सितंबर से राज्यव्यापी लेख निबंध आंदोलन की घोषणा की है। ऐसे में परीक्षा का कामकाज कैसे होगा, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है। यहां आंदोलन महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय सेवक संयुक्त कृति समिति के नेतृत्व में किया जाएगा। 24 सितंबर से लेख निबंध आंदोलन के बाद ही यदि कर्मचारियों की मांगे मान्य नहीं हुई तो उन्होंने 1 अक्टूबर से किया आंदोलन की चेतावनी भी दी है। समिति के अनुसार लंबे समय से वेतन आयोग को लागू करने के लिए कर्मचारी विविध स्तरों पर अपनी बात उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगे मान्य नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम, अध्यक्ष महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफिसर फोरम और एक्स रजिस्ट्रार नागपुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन और विद्यापीठ सेवक संयुक्त कृति समिति के ओर से ये आने वाले 24 सितंबर से एक राज्यव्यापी आंदोलन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के शासकीय कर्मचारी और अकृषि विद्यापीठ के कर्मचारी छोड़ के बाकी सारे विद्यापीठ के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया। उनको वेतन भी मिल रहा है, उनको सारे आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नॉन एग्रीकल्चर अकृषि विद्यापीठ है, उसके कर्मचारियों को अभी तक ये सातवां वेतन आयोग और वो आश्वासित प्रगति योजना जो है योजना ये हमको लागू नहीं हुई। हम ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र के राज्य के 80% कर्मचारियों को वेतन आयोग लागू करना और 20% कर्मचारियों को लागू नहीं करना, ये बात जो है ये एक नैसर्गिक न्याय नैसर्गिक न्याय को नकार देने वाली, भेदभाव करने वाली, डिस्क्रिमिनेशन करने वाली और देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 14 का उल्लंघन करने वाली है। और इसलिए पिछले वक्त हम लोगों ने पिछले साल यही कृति समिति ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो सरकार ने एक लिखी लेटर हमको दिया और कहा कि भाई आप ये जो है आप अपना आंदोलन पीछे लिए तो हम लोग आपकी जो डिमांड है 1 महीने में पूरी करेंगे। लेकिन अभी इसके बाद 1 साल से ज़्यादा समय होने के बावजूद भी अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई और आज वो फाइल जो है हमारे वाली वेतन आयोग की फाइल वो आज फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है और उनका रास्ता तय करना पड़ा। 24 तारीख से हम लोग हमारी कलमबंद आंदोलन करने वाले हैं, लेखनीबंद आंदोलन जिसको करते हैं, और उसके बाद 24 के बाद अगर तब तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और ये वेतन आयोग और हमारी सारी मांगे अगर पूरी नहीं किए तो 1 तारीख से कंप्लीट महाराष्ट्र राज्य के सारे नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जितने एफिलेटेड कॉलेज है सारे कर्मचारी उसमें रास्ते पे आएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। इस प्रकार के आंदोलन की घोषणा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।